आम आदमी पार्टी व जेजेपी के करनाल लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कृष्ण कुमार अग्रवाल ने आज लगभग 17 गांवों का तूफानी दौरा किया। मुनक, खेड़ी नरू, दादूपुर, जुंडला, ओगद, बासा, पाढ़ा, पाल पबाना, कुंडलनी, सालवान, जयसिंहपुर, चोचड़ा, राहड़ा, बाहरी, गंगा टेहड़ी, पोपड़ा, अरडाणा तथा असंध का दौरा कर विभिन्न गांवों में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया व अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। उनका कहना है कि उन्हें भारी संख्या में लोगों का समर्थन मिल रहा है। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, हम कोई बात नहीं करने वाले हैं और हम अपने वोट बांटने से पहले भी हमने अच्छा वोट देकर भेजे थे, जो पिछली बार इलेक्शन था इस बार भी हम गांव बांसा से लीड दिखा देते। तो बीजेपी तो ओवर कॉन्फिडेंस है कि कामों में उनका वजूद बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कहने की बातें हैं। जीरो है, जीरो। आज बांसा गांव में आपके लीडर आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी पार्टियों से हमारा कंपटीशन है, बीजेपी की तो हर तरीके से पोल खुल गई है। ये पिछली पाना से उधर यूपी में बनारस में बीएसएफ जवान तेज बहादुर का नामांकन रद्द कर दिया गया है, इससे बड़ी तानाशाही और क्या होगी। 22 नंबर वार्ड से असम रखा में मेरी बेटी हरियाणा में सबसे कम उम्र की जिला पार्षद बनी थी, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट। तो बीजेपी सरकार का एक ही नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इन्होंने इनकी ये भी पोल यहाँ सारी खुल गई तो इन्होंने सबसे कम उम्र की जो बेटी जिला पार्षद बनी उसको आज तक 100 रुपए की ग्रांट नहीं दी, उसका मान सम्मान को क्या था, उसको आज तक 100 रुपए की ग्रांट नहीं दी। कहाँ से आ रही मैं इंद्रजीत शर्मा से एडवोकेट कृष्ण अग्रवाल बड़ा तो बंसा एक जिंद एक जान सतयुग तो साड़ी सां दे बड़े दे पासे पिंड दी जे बड़े वाले लोटा लून पा सकते ने कृष्ण अग्रवाल वास्ते बांसे पिंड च भी लोटा लून पै जाएगा, एक एक वोट कृष्ण अग्रवाल नूं जाएगी बड़े दे बांसे दी सां च। ते दूजी गल वेखो जी, अजे सिद्धी दी गल करदे आं, साडे बजुर्ग 1947 च आए उजड़ के, जे साढ़े ने भरोसा विश्वास किसी बरादरी ने किया तो बनिया बरादरी सी, इन्हों तो इन्होंने सानू पैसे दिते, असी फसल बगानी लख रुपये लेने, असी जमीन मुल लिया, असी विह करना होंदा सी, जो साढ़े तेने बहुत भरोसा किया। जेकर अज भी करनाल जिले के विच किसी नूं एक दूजे का भरोसा है तो बनिया बरादरी तो सिख बरादरी है, असी एक दूजे का इन्ना भरोसा करते हैं। मान लो अं बैंक का लोन लेने, वो साड़ी जमीन गिरवी रखते हैं पर अं अपने आड़तियों अखा मीट के पैसे ले आने, असी जमीन खरीदने, अपने बच्चे बाहर घलने, असी धियां भैनों में विह करने, ये बनिया बरादरी एक विश्वास वाली बरादरी है, ये असी सिख कौम का पूरा साथ देंगे। हम तुम्हें कृष्ण अग्रवाल के सिर पर ताज रखोगे? पूरा रखेंगे, मेरा बांसा बांधी संघ रखे तो चुका के कलांगा। मैं किसान दूसरी बड़ी पार्टियों से मुकाबला है, क्या कहना चाहूंगा? कई पार्टियां बढ़ गया, अभी कई अभी भजन वालू नहीं हराया, अभी हराने वाले सर बीजेपी वाले ने कई मसी भी हराया। क्या नाम है जी अपना? क्या कहेंगे बांसा साहब? जानेंगे निशान पर देने और दिलवाने का काम करें, क्योंकि आपने इस देश की आजादी के बाद लंबा समय कांग्रेस का शासन देखा, किस प्रकार से कांग्रेस के भाइयों ने इस देश के ऊपर कई हमें जात और पात के बीच में लड़ाया, कई धर्म और मजहब के बीच में लड़वाया और सत्तासीन होने में कामयाब हुए, और उसके बाद चाहे रोजगार के मामले हो, चाहे विकास के मामले हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, कोई भी काम करने का काम नहीं किया। आपने देखा इस गवर्नमेंट से पहले गोविंदा हुड्डा कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सारे के सारे विकास रोहतक में हुए थे, सारी नौकरियां वहां लगाने का काम किया था, टैक्स तो हमारे यहां से जाता था लेकिन सड़कें नालियां बिजली और हॉस्पिटल और एम्स जैसे हॉस्पिटल खोलने का काम उन्होंने वहां किया। उसके बाद पिछले लोकसभा के चुनाव में आपने कांग्रेस को बदला,
और बदलने के बाद नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया। जब मोदी साहब आपके बीच में आए थे मुझे याद है, करनाल में एक 3-4 जिलों की रैली संबोधित करके गए थे। उस समय उन्होंने कहा था कि करनाल में एयरपोर्ट बनाने का काम करेंगे, लेकिन वो एयरपोर्ट आज तक नहीं बना। उसके बाद ये भी कहा था कि बड़े उद्योग यहां पर लेकर के आएंगे, लेकिन कोई उद्योग नहीं आए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी तो यहां से बढ़ गए। सभी ने समझा कि हमारा सौभाग्य है कि करनाल के मुख्यमंत्री बने, हमारे काम होंगे। लेकिन करनाल की सड़कें आज टूटी पड़ी हैं, ना सुरक्षा है, ना सड़कें हैं, ना व्यवस्था है। आईटीआई में बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी सोए हुए हैं। और मैंने पार्टी वालों को बोला कि भाई बिलोना का रूट बनाओ, राणा के साथ बिलोना का रूट बना, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि गांव में जाके मुझे वो प्यार मिलेगा जिसकी मैं सोच भी नहीं सकता था। जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, जो सम्मान दिया, मैं इस पूरे गांव का तय दिल से इस बात का आभारी रहूंगा सारी उम्र के लिए। और आपको एक विश्वास दिला के जाता हूँ कि जो आस आप लोग मेरे अंदर देख रहे हैं, जो विश्वास आप लोग मेरे अंदर देख रहे हैं रिश्तेदार होने के नाते, मैं आज अपने गांव में और बिलोना गांव में कोई फर्क नहीं रहने दूंगा, ये भी मैं भी आपको विश्वास दिला दूंगा। बिलोना गांव सारी उम्र मेरी पहली लिस्ट में रहेगा और मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि कोई भी बिलोना गांव की समस्या, जब तक मैं आपका नुमाइंदा रहूंगा, मैं किसी समस्या को बिलोना गांव में अंदर नहीं आने दूंगा, ये भी मैं आपको वादा करके जाता हूं। और इन सब के साथ आप लोगों से एक अपील कि 12 तारीख को झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर आप अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने रिश्तेदार को सेवा करने का मौका दें, अपना आशीर्वाद दें। और उसके बाद जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं बखूबी आप लोगों के प्रति, गाँव के प्रति, पंचायत के प्रति, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, मैं बखूबी आप लोगों के परिवार का सदस्य बनके उनको पूरे तरीके से निभाऊंगा, इस बात का मैं वादा करता हूं। धन्यवाद। आज यहाँ जन सैलाब सा आज दिखाई दे रहा है बांसा गांव में, तो अपनी जीत को